Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies Class 12th, we will continue the chapter Directing. And in that, today we will discuss the elements of directing. And elements of directing में आज हम सबसे पहले discuss करेंगे motivation. तो directing क्या होती है? Directing होती है दूसरों को निर्देश देना, यानी कि दिशा दिखाना, किस रास्ते पर हमें चलना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, इसको डायरेक्टिंग कहते हैं. और उसके लिए हमें जो है चार एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में. कौन से चार एलिमेंट्स होते हैं? मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविज़न एंड कम्युनिकेशन. तो ये चार एलिमेंट्स जो होते हैं इसके डायरेक्टिंग के होते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो है डायरेक्टिंग का काम करते हैं. तो इसमें हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के बारे में. और मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस वेयर इन द पर्सन्स आर मेड टू रिकॉग्नाइज देयर नीड्स एंड वर्क हार्ड टू फुलफिल दोज नीड्स एज वेल एज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज. तो मोटिवेशन जो होता है प्रोत्साहन देना, उसका मतलब होता है कि हम जो है लोगों को, जो हमारे यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको उनकी आवश्यकताएं जो होती हैं, ज़रूरतें जो होती हैं, उनकी पहचान कराना कि उन्हें काम करना क्यों ज़रूरी है, कौन सी आवश्यकता उनकी पूरी होगी इस काम को करने से. एंड वर्क हार्ड टू फुलफिल दोज नीड्स, और उस काम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो मेहनत करें, काम करें हमारे संगठन में रहते हुए, और साथ साथ हमारे इससे संगठन का भी फ़ायदा हो. तो दोनों का इंटरेस्ट जो है पूरा हो रहा है, संगठन का भी पूरा हो रहा है, साथ साथ एम्प्लॉयज़ का भी फायदा हो रहा है. उनको भी अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो वहाँ पूरी करते हैं, और संगठन की आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं. तो मोटिवेशन एक ऐसी जो प्रोसेस है जिससे हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, या फिर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग पीपल टू वर्क इन द डिज़ायर्ड मैनर फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो यानी कि कैसी प्रक्रिया है मोटिवेशन, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को या लोगों को मोटिवेट करते हैं टू वर्क इन द डिज़ायर्ड मैनर, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि वो काम करें, उस तरीके से हम उनसे काम करवा सकें फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिससे कि हम अपने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें. तो मोटिवेशन एक प्रोसेस हो गया जिससे हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं काम करने के लिए. नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन की क्या विशेषताएँ होती है, क्या होता है मोटिवेशन? मोटिवेशन इज़ द इंटरनल फीलिंग, आंतरिक भावना होती है. तो मोटिवेशन कोई एक सॉलिड चीज़ नहीं है जो हम किसी को देख सकें या दे सकें. मोटिवेशन क्या होता है? इंटरनल फीलिंग है, यानी कि हम किस तरीके से इंसान के अंदर की भावना को जगाते हैं, काम करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं. तो ये एक इंटरनल फीलिंग होती है. कोई इसमें एक इनटेंजिबल फोर्स होती है, अदृश्य शक्ति होती है. देन मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मोटिवेशन जो होता है घनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है. पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है, जब हम कुछ अच्छी चीज़ें करके उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं, कुछ जैसे किसी की प्रशंसा करके हम उसको मोटिवेट करते हैं, उनको पुरस्कार दे करके मोटिवेट करते हैं. और नेगेटिव मोटिवेशन जो होता है उसमें हम पनिशमेंट्स की बात करते हैं, फ़ाइन लगाना यानी जुर्माना लगाना, या हम उनको सज़ा देना या डराना धमकाना, ये सब मोटिवेशन के ही तरीके हैं कि हम किसी व्यक्ति को काम करने या ना करने के लिए प्रेरित करते हैं. कि आपको जैसे कोई चोरी करता है बच्चा, हम उसे डांटते हैं या पनिशमेंट देते हैं ताकि वो फ्यूचर में चोरी ना करे. तो उसे वो मोटिवेट हो गया, नेगेटिवली उसको हमने मोटिवेट किया उसको पनिशमेंट दे करके, डांट के या डरा करके कि ये काम गलत है. तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का मोटिवेशन हो सकता है. देन मोटिवेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. मोटिवेशन एक जटिल प्रक्रिया है. जटिल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि हर ह्यूमन बींग अलग है. सभी की जो सोच है, विचारधारा है, हर व्यक्ति की अलग होती है, एज के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, सब तरीके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसे मोटिवेट करते हैं. तो हर व्यक्ति एक ही तरीके से मोटिवेट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. हर व्यक्ति का मोटिवेशन का तरीका अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर पर्सनैलिटी यूनिक है. तो उसके हिसाब से हमें देखना होगा कि वो व्यक्ति कैसे मोटिवेट हो सकता है. तो सभी को हम सेम तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए जो है किसी को हमें पॉजिटिवली मोटिवेट करना पड़ता है, किसी को नेगेटिवली मोटिवेट करना पड़ता है, किसी को लगातार करना पड़ता है. तो किस तरह से हमें मोटिवेशन करना है, ये एक अपने इंडिविजुअल जो है पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उसकी क्या आवश्यकता है और उसके हिसाब से वो कैसे मोटिवेट होगा. तो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है. मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. लक्ष्य आधारित व्यवहार जो होता है ये उत्पन्न करता है मोटिवेशन. यानी कि मोटिवेशन से व्यक्ति जो है किसी काम को करने के लिए, यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो काम करता है, यानी उसका व्यवहार जो है उस गोल को अचीव करने के लिए वो मोटिवेट हो जाता है. देन मोटिवेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. क्योंकि बिजनेस
जो है कंटिन्यूस है, उसमें सारी जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंटिन्यूसली चलती हैं, तो निरंतर जब तक बिजनेस चलेगा, जब तक हमारे यहाँ कर्मचारी काम करते रहेंगे और उन्हें लगातार मोटिवेशन की आवश्यकता होगी, सो कंटिन्यूएशन में जो है हमसे मोटिवेट हमें उनको करते रहना पड़ेगा. तो मोटिवेशन जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं. तो इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं मोटिवेशनल इंसेंटिव्स को, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, यानी कि मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. मौद्रिक या वित्तीय या अमौद्रिक यानी गैर वित्तीय प्रोत्साहन कौन से होते हैं जिससे कि व्यक्ति मोटिवेट होता है काम करने या ना करने के लिए. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में. तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? मौद्रिक जो प्रोत्साहन होते हैं जिससे कि उसको फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, पैसे के रूप में उनको फ़ायदा मिलता है एम्प्लॉयज़ को, और वो काम करने के लिए प्रेरित होते हैं. तो ऐसे कौन से फाइनेंशियल मोटिवेशन हैं, इंसेंटिव्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला जो हमारा इंसेंटिव होता है दैट इज़ पे एंड अलाउंसेज, यानी कि वेतन और भत्ते. तो पे क्या होती है, सैलरी क्या होती है? सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता. तो बेसिक पे जो होती है, जिस जो पे स्केल पर जिसमें हम कर्मचारी को रखते हैं काम पर, वो बेसिक पे होती है. और डियरनेस अलाउंस जो होता है, साथ साथ महंगाई भत्ता जो उसको दिया जाता है, टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट इसका रेट डिसाइड करती है उसके हिसाब से उनको दिया जाता है, तो ये सैलरी का ही पार्ट होते हैं. तो सैलरी होती है, उसके अलावा दूसरे भत्ते होते हैं, दूसरे अलाउंसेज होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया आपका, या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, या मेडिकल अलाउंसेज हो गए. ऐसे बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं जो सैलरी के अलावा उनको दिए जाते हैं. तो जितने ज़्यादा अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं, उतना ज़्यादा कर्मचारी जो है सैलरी के अलावा काम करने के लिए प्रेरित होता है, उसको मोटिवेशन मिलता है. उसके अलावा जो दूसरे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, यानी उत्पादकता संबंधी मजदूरी. तो इस सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम इंक्रीमेंट इन वेजेस और सैलरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, दैट इज़ मोर प्रोडक्टिविटी मोर वेजेस एंड वाइस वर्सा. तो लेस प्रोडक्टिविटी होगी जिसकी, उनको लेस वेजेस होंगे. तो ये हमने जैसे उसमें पढ़ा था, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ा था हमने, कि जो डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम है, जो ज़्यादा काम करेंगे उनको उस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ज़्यादा सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेंगे, और जो कम काम करेंगे उनको कम मिलेंगे. तो इस तरह से हम ज़्यादा उनको जो है सैलरी, जितना ज़्यादा वो काम करेंगे उनकी सैलरी उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी. तो ये एक इंसेंटिव होता है. तो इस तरह से हर आदमी जो है ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा जिससे कि वो अपनी सैलरी या वेजेस को बढ़ा सके. देन बोनस. बोनस जो होता है, इट इज़ पेड टू द एम्प्लॉयज़ इन एडिशन टू देयर सैलरी या वेजेस एज अ रिवार्ड फॉर द गुड सर्विसेज. तो बोनस जो होता है, नॉर्मली हम देखते हैं हर साल दिवाली के अवसर पर या त्योहारों के अवसर पर जो है एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, ताकि वो अपने जो त्यौहार है वो अच्छे से मना सकें. एक तरह से प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन होता है कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को. इट इज़ अदर देन सैलरी. सैलरी और वेजेस के अलावा जो है ये दिया जाता है, और मोस्टली ये कैश फॉर्म में होता है, या कई बार किसी और चीज़ के रूप में भी हम उसको दे सकते हैं, जैसे शेयर्स वगैरह के रूप में बोनस शेयर्स वगैरह दिए जाते हैं. तो कंपनी के द्वारा डिपेंड करता है, ताकि उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके, और अच्छी सेवाओं के लिए उनको जो है हम बोनस दिया जाता है. लगभग ये सभी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, उनके जो भी उनके सैलरी है उसके हिसाब से उनको बोनस दिया जाता है. देन प्रॉफिट शेयरिंग, लाभों में हिस्सेदारी. इन दिस एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस टू मोटिवेट देम टू वर्क विद फुल पोटेंशियल लेबर एंड ऑनेस्टी. इट इज़ गिवन अदर देन सैलरी एंड वेजेस. तो जो सैलरी और वेजेस के अलावा जो होता है, हम कई बार कर्मचारियों, क्योंकि वो जो कर्मचारी होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वही जो है मेन होता है, जो हमारे बिजनेस को आगे ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं. तो उनको हम कई बार मोटिवेट करने के लिए, जितना ज़्यादा हमारे को प्रॉफिट होता है उस हिसाब से हम उनको प्रॉफिट्स में भी हिस्सा देते हैं, शेयर देते हैं. वो कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है, 10% 5% जो भी वो देना चाहे अपने कर्मचारियों को प्रॉफिट में हिस्सा वो दिया जाता है. और इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वो मन लगा के काम करते हैं. तो जितना ज़्यादा वो काम करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और उतना ज़्यादा उनका प्रॉफिट में हिस्सा भी बढ़ता रहेगा. तो इस मोटिवेशन के साथ जो है वो काम करते हैं, जिससे कि कर्मचारी और मेहनत से और ईमानदारी से कंपनी के लिए समर्पित होकर के काम करते हैं. उसके बाद है को पार्टनरशिप. को पार्टनरशिप जो है सहभागीदारी, इसमें इन दिस एम्प्लॉयज़ आर मेड पार्टनर्स इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड आर पेड डिविडेंड ऑल्सो एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. दिस इज ऑल्सो बिसाइड द रेगुलर रेमुनरेशन.
तो जो कर्मचारियों को सैलरी या रेमुनरेशन मिलती है रेगुलर, जो उनको जिनके लिए जिस पोस्ट पर उन्हें रखा गया है उसके लिए जो भी सैलरी या वेजेस फिक्स होते हैं वो तो उनको मिलता ही मिलता है, साथ में उनको जो है कंपनी के मैनेजमेंट में बराबर की हिस्सेदारी जो होती है वो मिलती है, यानी कि वो जो है इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं या पूंजी में निवेश कर सकते हैं, और उनको जैसे हमारे शेयर होल्डर्स को हम जो है डिविडेंड वगैरह पे करते हैं, इसी तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी डिविडेंड पे करते हैं, और वो कंपनी के लिए अच्छे से काम इसलिए करें क्योंकि उनकी शेयर की वैल्यू बढ़े, जितना काम अच्छा होगा कंपनी की जो गुडविल उतनी बढ़ेगी, उतनी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, उतना उनकी इनकम बढ़ेगी, दैट इज़ डिविडेंड उनको ज़्यादा मिलेगा, तो इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ जो है कंपनी जो है उनको मैनेजमेंट में बराबर की हिस्सेदारी भी देती है, यानी कि उनसे जो भी सलाह मशवरा होता है उनके काम से संबंधित उस उनसे रिलेटेड मैनेजमेंट में भी उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, तो ये भी व्यक्ति को मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। उसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी रिटायरमेंट तो जो है नौकरी से जब जॉब ख़त्म हो जाती है, जब व्यक्ति जो है वो रिटायर हो जाता है, तो इसमें जो है इन दिस एम्प्लॉयर गिवन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो पोस्ट रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट के बाद के जो फ़ायदे होते हैं नौकरी छोड़ने के बाद जो उनको फ़ायदा मिलता है, जैसे कि पेंशन दी जाती है, उनको ग्रेचुटी होता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, उसके अलावा जो अदर फैसिलिटीज़ जो है डिपेंड करता है किस तरह की संगठन है, सरकारी है या गैर सरकारी है, किस तरह की सुविधाएं वो अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी दे रहे हैं। तो हर व्यक्ति जो है काम करता है, जब नौकरी कर रहा होता है तब उसे पैसे के लिए तो काम करता ही करता है, साथ साथ वो अपने बुढ़ापे को यानी कि आगे फ्यूचर को भी वो सेव करना चाहता है, तो रिटायरमेंट के बाद जो है बहुत सारी दिक्कतें एम्प्लॉयज़ को फेस करनी पड़ती हैं कई बार उनके खासकर फाइनेंस से रिलेटेड, तो अगर उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है रिटायरमेंट के समय पर या रिटायरमेंट के बाद कुछ सुविधाएं दी जाती हैं कंपनी की ओर से या सरकार की ओर से, तो उससे उनको मोटिवेशन मिलता है और वो ऐसे संगठनों को छोड़कर नहीं जाते हैं जहां पर ये सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो हर व्यक्ति अपने बुढ़ापे को या भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, तो ये भी एक मोटिवेशन का तरीका है। देन प्रीक्विसाइट्स या फ्रिंज बेनिफिट्स, एन एम्प्लॉय ऑल्सो गेट्स सम फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो कई बार कर्मचारियों को बहुत सारी सुविधाएं जो है सैलरी और उसके अलावा फ्री में जो सुविधाएं मिलती हैं अपने अपने मालिक से, वो जैसे कि रेंट फ्री हाउस, बिना किराए के जो है आपको फ्री में रहने के लिए सुविधा दी जाती है, घर दिया जाता है, कार दी जाती है मुफ्त में आपको, और सर्वेंट दिए जाते हैं, मोबाइल या इंटरनेट फैसिलिटीज़ होती हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, तो किसी तरह की भी जो फ्री सुविधाएँ हम अपने कर्मचारियों को देते हैं वो भी एक फाइनेंस का पार्ट है। यदि वो उन पर खुद पैसे खर्च करता, मान लीजिए वो मकान लेकर के खुद रह रहा होता तो उस पर उसको कितना किराया देना पड़ता, या वो खुद के वाहन से आना जाना करता कंपनी में तो उसके लिए उसको जो खर्च करना पड़ता, तो वो सारी चीज जो है ये सारी उनको फ्री में मिलती हैं, तो एक तरह से ये भी उनको एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे तमाम जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जो कंपनीज़ के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाते हैं, जिससे कि वो मोटिवेट होते हैं कंपनी में मेहनत से और लगन से काम करने के लिए, साथ साथ वो कंपनी को छोड़कर भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, और हर व्यक्ति जो है सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी चाहता है। तो ये तो हो गए कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बातें जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे करके मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं अपने कर्मचारियों को देते हैं, जो उनको मोटिवेट करता है अपने कंपनी के लिए अच्छा और बेहतर काम करने के लिए। तो ये गैर मौद्रिक प्रोत्साहन भी इनको हिंदी में कहा जाता है। आइए अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। सो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रेफर्स टू द इंसेंटिव दैट आर नॉट रिलेटेड विद मनी, तो ये पैसे के रूप में नहीं दिए जाते हैं, मगर ये बहुत जो होते हैं बहुत काम आते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। तो इनमें सबसे पहले है स्टेटस, स्टेटस यानी पद नाम या पद, इट मींस पोजीशन और रैंक ऑफ अ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर फैसिलिटीज रिलेटेड टू इट, तो जो पोस्ट है जिस पोस्ट पर व्यक्ति काम कर रहा है, पोजीशन पर काम कर रहा है संगठन में, उसका जो रुतबा है वो उसको मोटिवेट करता है काम करने। तो आपने देखा जितनी हायर पोस्ट होंगी उतना ज़्यादा व्यक्ति उस हायर पोस्ट पर काम करने के लिए मोटिवेट होता है, और उस पर जो जुड़ी सुविधाएँ होती हैं उसको पाने के लिए वो काम करता है, मोटिवेट होता है। एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड टू वर्क बाय रेजिंग देयर रैंक और पोजीशन, तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं उनका पद के जो है इम्पोर्टेंस को बढ़ा करके, उनकी रैंक को इंक्रीज करके हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए अच्छे से काम करें।
ओके उसके बाद है सेकंड टाइप ऑफ इंसेंटिव इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, संगठन का वातावरण। तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल वर्किंग एनवायरनमेंट लाइक फिजिकल फैसिलिटीज एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द एम्प्लॉइज आल्सो मोटिवेट देम टू वर्क। तो संगठन का जो अंदरूनी वातावरण होता है, हर कोई व्यक्ति जो है वो शांतिपूर्वक माहौल में काम करना चाहता है, एक अच्छे संगठन के अंदरूनी वातावरण में काम करना चाहता है। अगर संगठन में अंदर ही लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे या खींचतान ज़्यादा होगी तो वहाँ पर एम्प्लॉय टिक नहीं पाएगा और उसका मन नहीं लगेगा काम करने में, और उसे लगेगा कैसे ना कैसे जल्दी से मैं इस संगठन को छोड़ दूँ, किसी अच्छे और ढंग के संगठन को मैं ज्वाइन करूँ। तो यदि इंटरनल इन्वायरमेंट अच्छा होगा, पीसफुल होगा, वहाँ पर उसकी एम्प्लॉय की बात सुनी जा रही है, एक अच्छे रिलेशंस हैं एम्प्लॉयज़ में आपस में या बॉस और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो वहाँ पर उनको काम करने में मन भी लगेगा और वो संगठन को छोड़कर भी नहीं जाएंगे और अच्छा काम करने में मोटिवेट होंगे, अपनी एनर्जी को वो सकारात्मक तरीके से अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। देन एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम यानी कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, ये एक और मोटिवेशन करने का तरीका है। तो दिस प्रोग्राम ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एम्प्लॉयज़ आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अवार्डेड प्रेजेंटेड मोमेंटोस सर्टिफिकेट्स डिस्प्ले हिज नेम ऑन द अचीवमेंट बोर्ड एटसेट्रा। तो इसमें हम कर्मचारी को एक अलग पहचान दिलाते हैं जो दूसरे कर्मचारियों से उसे अलग करता है, क्योंकि वो मेहनती है, ईमानदार है या उसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डनरी काम किया है, तो हम उसे एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, एम्प्लॉई ऑफ द ईयर इस तरीके से जो है अवार्ड्स उनको दे सकते हैं, सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, उनका नाम जो है कंपनी के अचीवमेंट बोर्ड जो होता है उस पर लिखा जा सकता है एम्प्लॉई ऑफ द मंथ या ईयर करके। इस तरह से हम उनको एक अलग पहचान देते हैं जिससे कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इंसेंटिव इज जॉब सिक्योरिटी यानी रोजगार सुरक्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है और हर कर्मचारी इस इंसेंटिव को पाना चाहता है। तो ये क्या है, इफ़ द जॉब ऑफ एन एम्प्लॉय इज स्टेबल और परमानेंट ही फील सिक्योर्ड एंड वर्क होल हार्टेडली इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई हमें इस जॉब से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि कर्मचारी कोई बहुत बड़ा ब्लंडर या मिस्टेक ना कर दे, कोई फ्रॉड ना कर दे, छोटी मोटी गलतियों पर कर्मचारी को जॉब से नहीं निकालना चाहिए, इससे उसको मोटिवेशन मिलता है। अगर व्यक्ति को हमेशा ये लगेगा, फीलिंग आएगी उसके अंदर कि पता नहीं मैं कितने दिन का मेहमान हूँ इस कंपनी में, मुझे कभी भी निकाला जा सकता है छोटी छोटी गलतियों के लिए भी, उसकी जॉब सिक्योर नहीं है, तो वो दिल से कभी भी संगठन में काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षा प्रदान करें, उसको एक मेंटल सिक्योरिटी उसके मन में रहे कि उसकी जॉब सिक्योर है और उसे जॉब से नहीं निकाला जाएगा, भले ही वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करता हो। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग जो है गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो सिक्योर्ड होती है, उसमें जॉब सिक्योरिटी है। एक बार आपने जॉब ले ली तो आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर आपने कोई सीरियस टाइप की मिस्टेक की है उसके अलावा जो है छोटी छोटी गलतियों के लिए आपको जॉब से नहीं निकाला जाता। उसके लिए और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पनिशमेंट के या रिकवरी करने के, लेकिन उसमें जॉब छीनी नहीं जाती है। तो इसी ये जॉब सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हर कर्मचारी के लिए कि वो सुरक्षित महसूस करे, उसे ये ना लगे कि उसे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। देन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन यानी कर्मचारी भागीदारी, इट रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू देम लाइक वर्किंग आवर्स पॉलिसीज एटसेट्रा। तो एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन यानी उनकी भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है, इससे कर्मचारी मोटिवेट होते हैं। तो कर्मचारियों को जब उनसे संबंधित हम कोई डिसीजन लेते हैं, खासकर एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ बना रहे हैं हम, कोई टाइम टेबल यदि हम बना रहे हैं काम करने का या कोई और चीज़ हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो इसमें कर्मचारियों की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें एक जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए कि भी हमारी भी इम्पोर्टेंस है, हम भी एक संगठन का एक हिस्सा हैं और हमसे भी जो है मैनेजमेंट पूछता है, सलाह करता है, उसके बाद ही वो हमारे लिए कोई डिसीजन लेता है। तो इससे एक अच्छी फीलिंग जो है पॉजिटिव फीलिंग उनके मन में आती है और वो मोटिवेट होते हैं संगठन से जुड़े रहने के लिए, अच्छी तरह से काम करने के लिए और संगठन के हित में सोचने के लिए। उसके बाद है एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट यानी कर्मचारियों का सशक्तिकरण। कर्मचारियों का सशक्तिकरण मतलब इट मीन्स प्रोवाइडिंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू द एम्प्लॉयज एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर यूनियंस एंड एसोसिएशंस, दिस मोटिवेट देम टू वर्क। तो कर्मचारियों को एक अलग पहचान देना, क्योंकि कर्मचारी जो होते हैं हमारी किसी भी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, बिना उनके हम कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते, चाहे कितने ही हमारे पास रिसोर्सेज हों, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। तो इसलिए अपने कर्मचारियों को जो है स्वायत्तता देना यानी आज़ादी देना सोचने की, काम करने की, साथ साथ उनको पावर्स देना और उनको उनकी जो संगठन है उनको सशक्त करना, उनको यूनाइट करना, उनको उनके यूनियंस ट्रेड यूनियंस को एक पहचान देना, रिकॉग्नाइज करना या एसोसिएशंस को रिकॉग्नाइज करना भी
उन्हें सशक्त बनाने का एक तरीका होता है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं, संगठित महसूस करते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। देन नेक्स्ट जो आपका वो इंसेंटिव है, दैट इज़ कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार में उन्नति के अवसर। एवरी एम्प्लॉय वॉन्ट्स टू एडवांस इन हिज लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन मोटिवेट हिम बाय गिविंग प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज ऑन टाइम। तो हर व्यक्ति जो है अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, तो जिस पोस्ट पर वो है उसी पोस्ट पर वो सारी ज़िंदगी नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका प्रमोशन हो, कि हायर पोस्ट पर वो जाए, उसकी सैलरी बढ़े, उसकी सुविधाएँ बढ़ें, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़े संगठन में। तो इन सब के लिए जो है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अपने करियर में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तो जिस संगठन में ये अवसर उपलब्ध होते हैं, कर्मचारी उन संगठनों से जुड़े रहते हैं, उन्हें छोड़कर नहीं जाते हैं और दिल से अपना काम जो है वो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी ना कभी उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और जिन संगठनों में आगे बढ़ने के अवसर नहीं होते हैं, तो ऐसे में कर्मचारी जो है वो मोटिवेट नहीं होते हैं आगे अच्छा काम करने के लिए, और वो अक्सर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर चले भी जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ने के अवसर दें, उनको प्रमोशन दें टाइम पर, अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छा उनका डेवलपमेंट के लिए उनके जो है हम कार्यक्रम चलाएँ, ताकि उनका विकास हो, उनका कैरियर आगे बढ़े, ग्रो करे और उनके नॉलेज भी अपडेट रहे। टाइम टू टाइम वो उनको अपडेट करना चाहिए, जिससे हम प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इंसेंटिव इज जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द जॉब। तो हर काम जो होता है बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, बिना उसके बाकी सभी काम नहीं हो सकते। तो हर काम की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, अपनी एक वैल्यू होती है। तो कर्मचारी जो होते हैं उनको हमें ऐसे चैलेंजिंग जॉब जो होते हैं, एम्प्लॉयज़ फील प्राउड ऑफ गेटिंग सच जॉब दैट आर चैलेंजिंग, हैविंग मोर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर्स हायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो हर कर्मचारी चाहता है उसे कुछ चैलेंजिंग मिले, कुछ अलग वो करके दिखा सके, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, कुछ डिफरेंट जो है उसको चैलेंजेस दिए जाएँ, काम दिए जाएँ, जिसकी ज़्यादा जो ज़्यादा चैलेंजिंग नेचर के हों, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ज़्यादा अधिकार हो उसके पास काम करने के, और जिसके लिए ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो जितना डिफ़िकल्ट टास्क होता है, उतना ही कर्मचारी उसको करने में इन्जॉय करते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने इतना डिफ़िकल्ट काम अचीव किया। तो जॉब को एनरिच करना, उसके साथ जो उनका जो काम है उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, उनका महत्व बढ़ाया जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ जो हमारे इंसेंटिव्स थे, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमने आज डिस्कस किए, जिससे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अच्छा और बेहतर काम कर सके, जिससे दोनों का फ़ायदा हो, एम्प्लॉय का भी पर्सनल बेनिफिट होगा, साथ साथ जो हमारा संगठन है उसको भी फ़ायदा मिलेगा, उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बिना कर्मचारियों के कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता है। अब कौन सा इंसेंटिव कब इस्तेमाल करना है, ये डिपेंड करता है हमारी मैनेजमेंट के ऊपर, हमारे पर्सनल मैनेजर के ऊपर, कि किस कर्मचारी को कौन सा इंसेंटिव देना चाहिए, कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। तो सही समय पर सभी इंसेंटिव एक साथ यूज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, समय के हिसाब से और अवसर के हिसाब से हम इंसेंटिव्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।